Join Forum IAS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IAS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आईएएस यूट्यूब चैनल। आज द हिंदू से मैंने तीन टॉपिक लिए डिस्कशन करने के लिए। ये तीनों ही टॉपिक आपके मेंस 2023 के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने 7 स्टेट्स को सेलेक्ट किया है जहाँ टेक्सटाइल पार्क्स इस्टेब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का वो होगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड। जो दूसरा डिस्कशन है वो है गवर्नर ऑफिस से रिलेटेड। कुछ कंट्रोवर्सीज हैं गवर्नर ऑफिस से रिलेटेड। तेलंगाना गवर्नमेंट ने पेटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट द गवर्नर, वो बिल्स को टाइमली असेंट नहीं कर रही है उसके बारे में, तो उसको हम देखेंगे। फिर जो तीसरा आर्टिकल है इसका डिस्कशन का वो है फेक न्यूज यानी डिस इन्फॉर्मेशन। तो कैसे डिस इन्फॉर्मेशन का क्या इंपैक्ट हो सकता है डेमोक्रेसी पे, क्या प्रिवेंटिव प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने जाने चाहिए, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फाइन। और जो सारा कंटेंट है ये हैंड रिटन फॉर्मेट में मैंने प्रिपेयर किया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का लिंक मैंने दिया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप इस कंटेंट को डाउनलोड कर लें आगे रिवीजन के लिए। डेली इवनिंग में सोने से पहले मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, आप इस कंटेंट को एक बार रिवाइज जरूर कर लें और विद इन 1 वीक एक बार और इसको रिवाइज कर लें कि बिल्कुल ये कंठस्थ हो जाए। आप चाहे टेस्ट सीरीज लिखें चाहे यूपीएससी के मेंस में जाएं, वहां पे आपको इजिली रिकॉल हो पाएगा, फाइन। तो शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। पहला डिस्कशन ये है कि अभी न्यूज ये आया कि 7 स्टेट्स को गवर्नमेंट ने सेलेक्ट किया है जहां पे टेक्सटाइल पार्क्स लगाए जाएंगे। देखिए, बात हो रही है यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। इंडिया में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो सिग्निफिकेंस है वो पॉलिटिकल भी रहा है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस रहा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी बहुत बड़ा है आज की डेट में इसका। देखें, इंडिया में अगर कोई इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे शुरू हुई है इंडिया में तो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन और जूट टेक्सटाइल। 19th सेंचुरी में ही 1840s 1850s से शुरू हो गया था इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होना। तो उसके बाद जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुआ तो क्लोथ कपड़ा एक सिंबल था रेजिस्टेंस का, विदेशी कपड़े जलाना, देसी कपड़े पहनना लाइक खादी के, ठीक है। महात्मा गांधी ने भी खादी को एक एज ए टूल यूज किया अगेंस्ट रेजिस्टेंस, टू शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो नेशनल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये रहा है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक सिंबलिज्म की तरह यूज किया गया है टेक्सटाइल्स को, इंडियन टेक्सटाइल्स को। तो ये है इसका नेशनल पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। अगर हम इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें तो किसी भी सेक्टर का अगर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस आपको जानना है तो उसके बारे में आप ये समझें सबसे पहले कि जीडीपी में उसका क्या हिस्सा है, जीडीपी का कितना हिस्सा उस सेक्टर का है, एक्सपोर्ट्स में उसके क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट करता है, ओवरऑल कितना बड़ा सेक्टर है वो। तो कोई भी सेक्टर को अगर आप ये लें तो 3 या 4 पैरामीटर से आप समझ जाएंगे कि इकोनॉमी में उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो जीडीपी में जो इसका शेयर है वो है 2% का। एक्सपोर्ट में जितना भी इंडिया में एक्सपोर्ट होता है उसका लगभग 11% टेक्सटाइल का इंपोर्ट होता है। एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा हिस्सा टेक्सटाइल का है, वो है लगभग 445 मिलियन यानी 4.5 करोड़। तो इसमें जो वीवर्स हैं, जो छोटे छोटे स्किल्ड इंडिविजुअल्स हैं या फिर फार्मर्स हैं जो कॉटन प्रोड्यूस करते हैं, ये सब को इंक्लूड किया गया है। आप देख सकते हैं कि दरअसल कॉटन एक कॉमर्शियल क्रॉप है, तो जो फार्मर्स हैं पर्टिकुलरली गुजरात महाराष्ट्र रीजन में, ये लोग बड़े स्केल पे कॉटन फार्मिंग करते हैं। तो कॉटन का इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस भी है, एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा रोल है कॉटन का। तो ये बात थी कॉटन की। लेकिन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा समस्या ये रहा है कि ये इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड रही है, ठीक है, अभी तक ये इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड रही है।
अनऑर्गेनाइज रही है, और सबसे बड़ी समस्या इसमें यह है कि जो इसका सप्लाई चेन है वो इनएफिशिएंट रहा है। तो इस फ्रेगमेंटेशन के चलते और अनऑर्गेनाइज होने के चलते, सप्लाई चेन में एफिशिएंसी न होने के चलते, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा वेस्टेज होता है, ठीक है, वेस्टेज होता है, फिर उसमें जो लॉजिस्टिकल कॉस्ट है उसका वो ज्यादा हो जाता है। लॉजिस्टिकल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टोटल जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, और वेस्टेज और हाई लॉजिस्टिकल कॉस्ट के चलते जो इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिवनेस है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें, अगर वहां पे इनएफिशिएंसी है, वेस्टेज है, हाई इनपुट कॉस्ट है, अननेसेसरीली हाई इनपुट कॉस्ट है, तो वह उसकी जो कॉम्पिटिटिवनेस वर्ल्ड मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, वो कम हो जाएगा। और हमारा जो मेजर कॉम्पिटिटर है टेक्सटाइल सेक्टर में वो बांग्लादेश है, ठीक है। तो इसके चलते ये जो इश्यूज थे टेक्सटाइल सेक्टर में, इसका सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन ये था क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, कि एक एरिया डिफाइन किया जाए, उस एरिया में जो भी उसके सप्लाई चेन से रिलेटेड जो भी काम होने हैं वो उस पर्टिकुलर डिजिग्नेटेड एरिया में ही हो। लाइक अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, जो भी क्लोथ्स का मैन्युफैक्चरिंग है वो उस पर्टिकुलर एरिया में हो। तो देखिए, कोई भी काम अगर होता है किसी पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया में होता है तो उसके फायदे क्या होते हैं कि अगर गवर्नमेंट को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है उनको, वो इजी हो जाता है। कि एक क्लस्टर में कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करना ज्यादा इजी होता है इंस्टीट्यूट की कोई भी चीज फ्रेगमेंटेड हो। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा, ठीक है, इकोनॉमी ऑफ स्केल, एफिशिएंसी आएगा, गवर्नमेंट को इजी होगा पावर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर जो सप्लाईज हैं वो इजिली प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट को सब्सिडी देना इजी हो जाएगा। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल आना, एफिशिएंसी आना, इससे क्या होगा कि जो सेक्टर का कॉम्पिटिटिवनेस है वो इंप्रूव होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने 2021 में अनाउंस किया एक स्कीम, पीएम मित्रा। पीएम मित्रा, पीएम मित्रा मींस प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये था अप्रोक्सीमेटली 1000 एकर का एक क्लस्टर बनाया जाए, एक रीजन डिफाइन किया जाए जिसमें जितना भी काम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, वो उसी डिफाइंड रीजन में ही हो। यही ऑब्जेक्टिव है पीएम मित्रा का। आप देख सकते हैं एक तरह से जो ये पार्क्स बनाए जाएंगे, जो रीजन रहेगा 1000 एकर का, वो एक तरह का टेक्सटाइल पार्क बनेगा, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल वैल्यू चेन। तो जितना भी स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, प्रिंटिंग टू गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी काम है टेक्सटाइल से रिलेटेड, वो सारा उसी पर्टिकुलर एरिया में ही होगा। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ पैसे भी एलोकेट किए हैं। अभी क्या हुआ है कि कुछ गवर्नमेंट्स ने स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड किया था फ्री लैंड प्रोवाइड करने के लिए, तो 13 स्टेट्स ने गवर्नमेंट को अपना प्रपोजल दिया था, उसमें से 7 स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया है। तो जिन स्टेट्स को सेलेक्ट किया गया है वो हैं आपके तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। अब देखें ये जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं, इन पार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये 1000 एकर्स में बनेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए वो प्रोवाइड करना। तो कहीं भी अगर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में कोई इंडस्ट्री डेवलप की जा रही है तो वहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बहुत इजी हो जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ऑर्गेनाइज्ड हो जाना क्लस्टर बेस्ड अप्रोच पे काम करने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इन्वेस्टमेंट उसमें आ सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है, जॉब्स जनरेट होंगी, स्किल्ड जॉब्स जनरेट होंगी इनफैक्ट, ठीक है। और तो गवर्नमेंट का कहना यह है कि ये जो पीएम मित्रा स्कीम अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो लगभग 17,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें आएगा, और एक पार्क 3 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा। तो लगभग 7 पार्क्स हैं तो लगभग 20 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पार्क्स है इसको 5F के फॉर्मूले में डेवलप किया जाए। 5F फॉर्मूला का मतलब ये है कि फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। कॉटन एक कॉमर्शियल क्रॉप है, फार्म से प्रोड्यूस होता है, किसान उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो होगा क्या कि फार्म से फाइबर,
उसको फाइबर में कन्वर्ट किया जाए, फाइबर जो फैक्ट्री में जाए, फैक्ट्री में गारमेंट्स मैन्युफैक्चर हों, गारमेंट्स जो है जो मॉडर्न डिमांड है फैशन का, उस डिमांड के अकॉर्डिंग उनका उनकी डिजाइनिंग हो, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग, और उसका उसका ग्लोबल मार्केट उसको एक्सपोर्ट किया जाए, ठीक है, फॉरेन। अब देखें गवर्नमेंट का डिमांड का जो फिलॉसफी है इस सेक्टर को डेवलप करने का, ये 5F फिलॉसफी पे है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर हम इसको क्लस्टर बेस्ड तरीके से डेवलप करें तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उनको लाया जा सकता है, उनको यूज में लाया जा सकता है। देखिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज किसी भी सेक्टर की अगर हम बात करें तो कॉस्टली होती हैं, और उनको तभी यूज किया जा सकता है जहां पर इकोनॉमी ऑफ स्केल हो, जहां पर बड़े स्केल पे कोई वो काम हो रहा हो। फ्रेगमेंटेड है तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को एब्जॉर्ब नहीं किया सकता क्योंकि वो कॉस्टली होती हैं और छोटे स्केल पे वो ऑपरेट नहीं कर पाएंगी। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज भी एब्जॉर्ब हो पाएंगी अगर क्लस्टर बेस्ड अप्रोच लाया जाएगा तो। दूसरी बात यह है कि FDI लोकल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है उसमें। अगर हम FDI की बात करें टेक्सटाइल सेक्टर में तो FDI अगर हम डाटा देखें 2002 और 2020 का, तो टेक्सटाइल सेक्टर में जो FDI आया है वो अप्रॉक्स 20,000 करोड़ आया है, समथिंग 20,400 करोड़ आया है, ठीक है, 20,000 करोड़ FDI आया है। और ये जो FDI है इट इज समवेयर अराउंड 0.4% ऑफ इंटायर FDI दैट इंडिया हैज रिसीव्ड इन द पास्ट 20 ईयर्स। आप देख सकते हैं कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक्सपोर्ट में कितना बड़ा हिस्सा है, इंप्लॉयमेंट में कितना बड़ा हिस्सा है, लेकिन जहां तक FDI की बात है तो FDI में टेक्सटाइल सेक्टर का सबसे कम कंट्रीब्यूशन है, सबसे कम FDI टेक्सटाइल सेक्टर में आया है। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को इंप्लीमेंट करना कि FDI को इन्वाइट करना, फाइन। अब इसमें क्या है कि जो पार्क्स बनेंगे तो उसको एक PPP मॉडल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसको, तो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स बनेंगे। तो जैसे आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी मिशन जो गवर्नमेंट ने स्कीम इंप्लीमेंट किया उसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल्स थे, जो सारे गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स थे उसमें जो भी प्रोविजंस थे उसको इंप्लीमेंट कर रहे थे, उसी पैटर्न पे सभी पार्क्स के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। उस SPV को, पार्क SPV को गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी, तो पर SPV 500 करोड़ रुपीस गवर्नमेंट देगी अंडर डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट। तो एक SPV को 500 करोड़ गवर्नमेंट देगी, ठीक है, और जो उसमें यूनिट्स आएंगे, जो अगर ये पार्क है तो उसमें जो भी यूनिट्स आएंगे उनके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव बनाए हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट, कि वो जो अपना जो यूनिट स्टेब्लिश कर रहे हैं उसमें उसको स्पीडली करें, फास्टली करें, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने लगभग 200 करोड़ का इंसेंटिव रखा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने यह भी कहा है कि जो भी और गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो कन्वर्ट की जाएंगी वहां पे, जो भी टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड स्कीम है उसको वहां पे कन्वर्ट किया जाएगा। और इसका एक और फायदा है क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का कि जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो और इजिली मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो जो पोल्यूशन है टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड उसको भी कंट्रोल किया सकता है, ठीक है। तो ये है सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल फाइनेंस प्रोवाइड करना, उसको स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के इंप्लीमेंट करना। गवर्नमेंट ने जो एस्टिमेट किया है कि जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 4,500 करोड़, और ये सारे पार्क से ये डेवलप हो जाएंगे बाय द ईयर 2025-26। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना, फाइनेंस करना, इंसेंटिव देना, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना। स्टेट गवर्नमेंट्स का इसमें क्या रोल है? स्टेट गवर्नमेंट्स का इसमें रोल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट्स विल प्रोवाइड लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट। ये लैंड कितना प्रोवाइड किया जाएगा? 1,000 एकर्स, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये भी कहा है कि जो भी पावर रिक्वायरमेंट है उस क्लस्टर का, इलेक्ट्रिसिटी वाटर रिक्वायरमेंट है, वो सारी जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका इंतजाम वो सब करेंगे, फाइन। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट्स का रोल इसमें।
साइट्स मैंने आपको बता दिया कि 13 स्टेट गवर्नमेंट्स ने सबमिट किया था अपना प्रपोजल, जिसमें से 7 स्टेट गवर्नमेंट्स के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया है। तो ये जो आप देखें कि जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में टेक्सटाइल सेक्टर को डेवलप करने की बात की जा रही है, तो पैंडेमिक के समय प्राइम मिनिस्टर ने क्या नारा दिया? प्राइम मिनिस्टर ने कहा आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत। तो कहीं ना कहीं जो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो फिलॉसफी, जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अकॉर्डिंग इस स्कीम को लाया गया है। तो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द ग्लोब, इन दोनों स्पिरिट को ये जो इनिशिएटिव है पीएम मित्रा कहीं ना कहीं सूट कर रहा है। और यही नहीं, देखिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच का एक फायदा यह है कि जो एसडीजी 9 है, जैसे कि सोशल सेक्टर में कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिसको गवर्नमेंट एक्टिवली परस्यू कर रही है, उसी तरीके से जो भी नए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वहां पे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडस्ट्री से रिलेटेड एसडीजी 9 है उसको भी प्रॉपरली उसमें फॉलो किया जाएगा। लाइक एसडीजी 9 क्या कहता है, बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। तो यहां पे रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों जो कंपोनेंट्स हैं काफी क्रिटिकल हैं टेक्सटाइल पार्क्स में, ठीक है। तो ये बात ही एसडीजीज की। अगर हम बात करें कि टेक्सटाइल सेक्टर से और क्या अदर इनिशिएटिव्स हैं, तो गवर्नमेंट ने जैसे और भी सेक्टर्स के लिए लाया है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, वो फाइबर सेक्टर के लिए भी है। तो PLIS टू मैन मेड फाइबर सेगमेंट, अगेन गवर्नमेंट ने लाया था नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, ऑब्जेक्टिव ये था कि टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। तो ये कुछ एडिशनल इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के। यहाँ पे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था डिस्कस करना कि कैसे टेक्सटाइल सेक्टर को गवर्नमेंट, जो सेक्टर फ्रेगमेंटेड था, इनएफिशिएंसी थी, अनऑर्गेनाइज था, उसको एक तरह से क्लस्टर बेस्ड अप्रोच में डेवलप करना कि उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव किया सके, कि उसका जो ओवरऑल कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इन्हांस किया सके। तो ग्लोबल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो इंडिया का शेयर है वो 4% है अभी, इसको कैसे और ज्यादा इंप्रूव किया जाए, यह है गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव। फाइन, तो यह था हमारा पहला आर्टिकल। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है गवर्नर ऑफिस रिलेटेड, इनफैक्ट ये कहें कंट्रोवर्सी रिलेटेड टू गवर्नर ऑफिस। तेलंगाना गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है अगेंस्ट द इनऑर्डिनेट डिले बाय गवर्नर इन असेंटिंग बिल्स। तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो गवर्नर है सी इज सिटिंग अननेसेसरीली विदाउट एनी रीजन ऑन बिल्स और उसको बिल्स को पास नहीं कर रही है, इसके अगेंस्ट तेलंगाना गवर्नमेंट ने पिटीशन फाइल किया है। देखें, जो गवर्नर का ऑफिस है, अगर हम इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल ऑफिस गवर्नर का रहा है। अगर हम करंट कॉन्टेक्स्ट में देखें, कॉन्टेम्पोररी टाइम्स में, तो गवर्नर्स के ऑफिस कुछ रीजंस की वजह से न्यूज में रहे हैं। आप देखें कि अगर केरला की बात करें तो केरला में वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर इशू था, तमिलनाडु में अगेंस्ट बिल्स के असेंट में डिले हो रहा था, तेलंगाना में वही मामला है, वेस्ट बंगाल में देखें कुछ दिन पहले तक इंटरफेरेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इश्यूज थे, पंजाब गवर्नमेंट में भी इशू ये हुआ था कि स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर रही थी बजट सेशन लाने के लिए, गवर्नर ला नहीं रहे थे। तो गवर्नर जो है हमेशा एक कंट्रोवर्शियल ऑफिस रहा है अब तक। पहले क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स के लिए इजी था गवर्नर्स का इस्तेमाल करके वहां पे गवर्नमेंट को बर्खास्त करना, आर्टिकल 356 लगाना, यानी प्रेसिडेंट रूल लगाना, वो अब पॉसिबल नहीं है। तो अब अलग अलग तरीके हो गए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, या फिर ये कहें स्टेट गवर्नमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए या फिर परेशान करने के लिए। अब देखिए होता क्या है कि जो गवर्नर होता है, गवर्नर कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट करेंगे? ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर में है उसके एडवाइस के हिसाब से गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं। गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स के बीच में इशू क्यों होते हैं? क्योंकि जहां भी कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी ए सेंटर में है और पॉलिटिकल पार्टी बी स्टेट में है, तो इन दोनों का जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उसके चलते
जो गवर्नर का ऑफिस है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करती है, ठीक है, या फिर ये कहें कि जो गवर्नर है उसकी आइडियोलॉजी और चीफ मिनिस्टर जो स्टेट में है उसकी आइडियोलॉजी इंटायरली डिफरेंट है। तो इसकी वजह से तमाम तरह के फ्रिक्शंस हैं। आप देखते होंगे कि जो अगर कहीं भी स्टेट में और सेंट्रल में जहां पॉलिटिकल पार्टी सेम है वहां पे गवर्नर ऑफिस को लेकर कोई भी इशू नहीं होता है। जहां पे ऑपोजिशन या फिर रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अलायंस में नहीं है वहां पे गवर्नर ऑफिस को लेकर हमेशा इशूज होते रहे हैं। वही वेस्ट बंगाल में हुआ, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, पंजाब, ये सारे इशूज देखने को मिल रहे हैं। तो तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो गवर्नर है वहां की अक्टूबर सितंबर में जो बिल दिए गए असेंट करने के लिए वो अभी तक पास नहीं हो पाए हैं। तो कभी भी बिल, कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर से गवर्नर के पास जाता है तो गवर्नर के पास चार ऑप्शंस होते हैं उस बिल को लेके। ये चारों ऑप्शंस की बात की गई है अंडर आर्टिकल 200। द गवर्नर या तो असेंट अपना दे सकते हैं, ठीक है, या फिर बिल को रिटर्न कर सकते हैं असेंबली को फॉर कंसिडरेशन। कुछ ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं गवर्नर, ठीक है, तो असेंबली उसको कंसिडर कर सकता है, जो बिल है उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, या फिर बिना अमेंडमेंट किए भी दोबारा सेम बिल को गवर्नर को भेज सकता है। फिर है जो बिल को रिजर्व किया सकता है प्रेसिडेंट के लिए अगर किसी हाई कोर्ट के ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, किसी सेंट्रल लॉ की से रिपग्नेंट है वो बिल तो उसको रिजर्व करके प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जा सकता है, या फिर एसेंट को विथहोल्ड किया सकता है। विथहोल्डिंग एसेंट मींस नॉट टेकिंग एनी एक्शन ऑन द बिल। अब इसको गवर्नर्स इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि दे कैन सिट ऑन द बिल फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। तो वो ये समझते हैं कि हम कितना लंबा इस बिल को रोक सकते हैं विदाउट एनी रीजन। अब देखें, पहले हम ये समझ लें कि क्यों जरूरी होता है कि गवर्नर का एसेंट क्यों जरूरी होता है किसी बिल को एक्ट बनने में। कोई भी बिल एक्ट तभी बनेगा जब गवर्नर उसको एसेंट करेंगे। क्यों गवर्नर का एसेंट चाहिए? क्योंकि जो असेंबली होता है, असेंबली के क्या क्या हिस्से हो सकते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, फिर गवर्नर। तो जो स्टेट लेवल पर जो पार्लियामेंट्स हैं उनका जो गवर्नर होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है। इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली अगर किसी बिल को पास करते हैं तो जब तक गवर्नर उसको नहीं करेंगे तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा। एक और रीजन है कि क्यों गवर्नर को अथॉरिटी दी गई कि बिल्स को असेंट करने के लिए, कि फाइनल अथॉरिटी गवर्नर क्यों दी गई। गवर्नर को फाइनल अथॉरिटी इसलिए दी गई कि एक तरह का एक एलिमेंट ऑफ चेक एंड बैलेंस इंट्रोड्यूस करना उसमें। ऐसा हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट हेस्ट में आके जल्दीबाजी में कोई बिल पास करे, वो बिल लोगों की फंडामेंटल राइट्स को हो सकता है कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो, हाई कोर्ट्स की ऑटोनॉमी को कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो, वो बिल रिपग्नेंट हो सेंट्रल लॉस के अगेंस्ट। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नर को एक फाइनल अथॉरिटी दी गई बिल्स को असेंट करने के लिए, बिल्स को एक्ट बनाने के लिए। अब इसमें एक इश्यू ये है कि देखें जो स्टेट लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास फाइनल मैंडेट होता है, इनफैक्ट मैंडेट होता है कि वो बिल्स को डिस्कस करे, डिबेट करे, पास करे, क्योंकि जो लोग स्टेट अपने एमएलएस को इलेक्ट करते हैं और उनके पास ये मैंडेट होता है कि लोगों के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलबिंग के लिए वो लॉस पास करें असेंबली से। प्रॉब्लम इसमें ये है कि जो मेंबर्स स्टेट लेजिस्लेचर के, दे आर इलेक्टेड, लेकिन स्टेट असेंबली के पास फाइनल अथॉरिटी नहीं है एक्ट बनाने के लिए। फाइनल अथॉरिटी एक अनइलेक्टेड पर्सन के पास है, दैट इज गवर्नर ऑफिस। तो ये एक तरह का कह सकते हैं कि एनोमली है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में कि जो इलेक्टेड अथॉरिटी है, जिसके पास डेमोक्रेटिक मैंडेट है लॉ बनाने के लिए, उसके पास फाइनल अथॉरिटी नहीं है कि वो लॉ बना पाए। वो लॉ तो बिल तो जरूर पास करेगा लेकिन फाइनल अथॉरिटी गवर्नर के पास है। तो अभी हम ये देखेंगे कि एक हिस्सा हम यहां पे ये देख लें कि क्या गवर्नर के डिसीजन को चैलेंज किया सकता है इन सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर का डिसीजन या फिर इन डिसीजन, या फिर ये कहें कि एक्शन और इन एक्शन। देखें गवर्नर जो होते हैं दे इंजॉय इम्यूनिटी, तो गवर्नर का कोई भी एक्शन है या इन एक्शन है उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया सकता।
तो आर्टिकल 361 गिव्स कंप्लीट इम्यूनिटी टू द गवर्नर, लेकिन जो विथहोल्डिंग एसेंट वाली बात है तो एसेंट जो विथहोल्ड करने की बात है उसको रेयर केसेस में ही एक्सरसाइज करना होता है, क्योंकि उसका कोई रीजन नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जब रीजन नहीं दिया है, इसका मतलब ये है कि वो जो पावर है उसको रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में एक्सरसाइज करना होता है। होना ये चाहिए कि जो गवर्नर हैं ही और शी शुड डिस्क्लोज रीजंस फॉर विथहोल्डिंग एसेंट, और अगर गवर्नर ने रीजन डिस्क्लोज किया है तो वो चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में ऑन द ग्राउंड दैट द रीजन इज मैलिफाइड और अल्ट्रा वायर्स। एक केस हुआ रामेश्वर प्रसाद केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नर ने जो ग्राउंड्स दिए हैं, जो रीजंस दिए हैं एसेंट विथहोल्ड करने का, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करती है और उस रीजन को रिव्यू करती है, तो अगर वो रीजन मैलिफाइड है या फिर अल्ट्रा वायरस है तो गवर्नमेंट का जो एक्शन है इट कैन बी स्ट्रक डाउन एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो गवर्नमेंट ने एसेंट विथहोल्ड किया, रीजन बताया कि क्या किस रीजन से एसेंट मैं नहीं दे रहा हूं या फिर मैं नहीं दे रही हूं, और वो जो रीजन है वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको एग्जामिन कर सकता है, उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है अगर वो अनरीजनेबल हो सकता है या फिर अल्ट्रा वायरस है। तो अब देखें यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर देगा तो अब होगा क्या कि गवर्नर के पास तीन ऑप्शन हो जाएंगे, या तो फिर वो एसेंट दें, या फिर उसको रिटर्न करें असेंबली को रिकंसिडर करने के लिए, या फिर प्रेसिडेंट के लिए वो बिल रिजर्व किया जाए। लेकिन यहां पे गवर्नर ने अपने रीजंस डिस्क्लोज नहीं किए हैं, मेन पॉइंट यहां पे ये है, फिर भी इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखना ये सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव यहां पर डिस्कस ये करना है कि वाई द गवर्नर शुड नॉट विथहोल्ड एसेंट। ठीक है, वाई द गवर्नर शुड नॉट विथहोल्ड एसेंट। पहला रीजन ये है कि देखें जो विथहोल्ड एसेंट विथहोल्डिंग की बात है उसका कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ग्राउंड नहीं दिया है, और भी जो रीजंस हैं गिविंग एसेंट रिटर्निंग द बिल रिजर्व फॉर प्रेसिडेंट, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि किस 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 ग्राउंड्स पे बिल्स को रिजर्व किया सकता है प्रेसिडेंट के लिए, या फिर जो गवर्नर है वो कुछ अपने ऑब्जेक्शन रेज करके बिल को रिटर्न कर सकते हैं। यहां पे फोर्थ वाले पॉइंट में कोई रीजन कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है, इसका मतलब यह है कि दिस पावर शुड बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली। तो इसको कब एक्सरसाइज किया सकता है, अब देखें लेट्स से कि कोई गवर्नमेंट स्टेट असेंबली ने बिल पास किया, बिल गया गवर्नर के पास, मीनवाइल गवर्नर ने अभी असेंट नहीं दिया है बिल को, तब तक सरकार गिर गई, असेंबली डिसॉल्व हो गई, उन केसेस में गवर्नर बिल का एसेंट विथहोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो नई गवर्नमेंट आए वो एडवाइस करे अगेंस्ट एसेंटिंग द बिल, तो इस केसेस में गवर्नर अपना एसेंट विथहोल्ड कर सकते हैं। जो दूसरा रीजन है वो ये रूल ऑफ लॉ का। देखिए जिस कहीं भी डेमोक्रेसी है तो वो रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस अगर कोई एक्शन लेता है तो वो रीजंस पे बेस्ड होता है। आप देखें पार्लियामेंट में असेंबलीज में जो भी डिस्कशन डिबेट होता है उनमें रीजंस होते हैं। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एक्शंस लेता है या फिर इनएक्शंस लेता है तो उसके पीछे रीजंस हो सकते हैं, और अगर रीजंस डिस्क्लोज नहीं कर रहा है गवर्नर, इट मींस कि द एक्शन और द इनएक्शन ऑफ द गवर्नर इज अगेंस्ट द ग्रेन ऑफ रूल ऑफ लॉ और अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि देखिए गवर्नर का बिल को एसेंट न करना कहीं ना कहीं जो पब्लिक मैंडेट है असेंबली के पास उसको चैलेंज करना, या फिर ये कहीं कि एक तरह का पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करना स्टेट में, और कॉन्स्टिट्यूशन ने या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जब डिबेट किया कि गवर्नर के पास जो पावर होना चाहिए असेंट करने का, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि स्टेट में गवर्नर पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन न चलाएं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहीं भी पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की बात नहीं करता, या फिर कहीं भी वीटो पावर गवर्नर को देने की बात नहीं करता, एक्सेप्ट कुछ जहां पे डिस्क्रिशनरी सिचुएशन है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जरूर देता है, लेकिन बिल्स के केस में पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं होती है।
फिर कुछ केसेस की को हम देख लें। पुरुषोत्तम निम्बुरदारी केस हुआ इन 1962, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, जहां बात थी कि गवर्नर्स के पास एक टाइमलाइन होना चाहिए, तो जो टाइम लिमिट था बिल्स को असेंट करने के लिए, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूर कोई टाइम लिमिट नहीं निर्धारित करता है गवर्नर्स को असेंट करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नर शुड सिट इनडेफिनेटली ऑन एनी बिल। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नर मस्ट ऑनर द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, क्योंकि जो पब्लिक मैंडेट होता है वो लेजिस्लेचर के पास होता है, एंड गवर्नर मस्ट ऑनर दैट विल। अगेन एक और पॉपुलर केस हुआ शमशेर सिंह केस, ये हुआ 1974 में, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां पे भी डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है गवर्नर को, कि जहां पे गवर्नर अपना डिस्क्रिशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल रिकमेंड करने के लिए, उन डिस्क्रिशनरी सिचुएशंस को छोड़ के बाकी और सिचुएशंस में गवर्नर हैज टू एक्ट इन हार्मनी विथ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट मींस कि जहां तक बिल्स असेंट करने की बात है, तो गवर्नर का जो एक्शन होना चाहिए, इट शुड बी एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने शमशेर सिंह केस में ये बात कहा, शमशेर सिंह के केस गवर्नर्स के गवर्नर ऑफिस से रिलेटेड कहीं भी कुछ इशू होता है तो काफी इंपॉर्टेंट केस है ये, शमशेर सिंह केस 1974। अब देखें कि इंडिया में एक पिक्यूलर सिचुएशन है कि जो अनइलेक्टेड अथॉरिटी है उसके पास फाइनल से है कि कोई बिल एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ और जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं, अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें, तो यूनाइटेड किंगडम में जो किंग है, इफ ही इज नॉट गिविंग हिज असेंट टू द बिल, इट विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। हालांकि यूके में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, यूके में जो कॉन्वेंशन हैं उसके बेसिस पे वहां पे काम होते हैं, तो यूके में एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होगा सिटिंग ऑन बिल फॉर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। यूनाइटेड किंगडम में अगर क्या होगा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस कोई बिल पास करती है, बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, अगर प्रेसिडेंट उस बिल को असेंट नहीं करते हैं तो उस बिल को दोबारा जो कांग्रेस है वो पास कर सकती है और दोबारा प्रेसिडेंट को भेज सकती है। उस केस में क्या होगा कि प्रेसिडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, प्रेसिडेंट को असेंट करना ही करना है। कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है कि बिल्स को असेंट करवाने को लेके। ये तो जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में ही एक तरह की पिक्यूलर सिचुएशन है, जो कि अनइलेक्टेड हेड स्टेट का, उसके पास फाइनल से है कि कोई बिल एक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये जो केस है बिल्स को असेंट न करने का, ये काफी लंबे समय से चला आ रहा है, और जितने भी कमिटीज बनी हैं, लाइक एक कमिटी बनी थी वेकेंट चलिया कमिटी, इसको बोलते हैं नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 2000 में बनी थी कमिटी, चाहे सरकारिया कमीशन हो चाहे पंची कमीशन हो, सबने विथहोल्डिंग असेंट वाले पावर पे अपने राय दिए हैं, अपने रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो वेंकट चलिया कमिटी ने क्या कहा कि जो बिल्स को असेंट करना है उसका एक टाइम लिमिट हो। टाइम लिमिट क्या होना चाहिए? 6 महीने का, कि 6 महीने में गवर्नर या तो बिल को असेंट करें या फिर उस बिल को रिजर्व करें फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइन, तो अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता तो जो ग्रे एरिया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है कि कब तक बिल को असेंट करना है, उसको रिजॉल्व किया सकता है। फिर सरकारिया कमीशन ने भी कहा कि टाइमलाइन होना चाहिए कि उस पीरियड के बीच में गवर्नर अपना असेंट दें। सरकारिया कमीशन ने एक और बात कही कि बिल्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर के साथ प्रायर कंसल्टेशन हो, जैसे मनी बिल के साथ होता है वैसे ही ऑर्डिनरी बिल्स भी जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले गवर्नर के साथ कंसल्ट किया जाए। उससे क्या होगा कि जब भी एक बिल पास होगा तो गवर्नर के ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन होगा उसको असेंट करने के लिए, क्योंकि वो प्रायर कंसल्टेशन हो चुका है गवर्नर से, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है कि जो ये ग्रे एरिया है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पैस क्रिएट हो जाता है बार बार स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नर्स के बीच में, उसको रिजॉल्व किया सके। फाइन, तो ये था हमारा गवर्नर ऑफिस से रिलेटेड डिस्कशन। जो थर्ड आर्टिकल है डिस्कशन के लिए वो है फेक न्यूज से रिलेटेड। तो तमिलनाडु से एक केस आया जहां पे कुछ वीडियोस वायरल हुए सोशल मीडिया पे,
कुछ मीडिया हाउसेस ने भी उसको पब्लिश किया। तो उस वीडियो में ये दिखाया गया था कि जो बिहार से माइग्रेंट लेबरर्स हैं तमिलनाडु में, उनके ऊपर वायलेंस हुआ है। और ये बात है 2nd और 3rd मार्च की। उसी समय क्या हो रहा था कि जो लेबरर्स थे तमिलनाडु से, वो बिहार आ रहे थे ड्यू टू होली फेस्टिवल। तो भीड़ होती थी स्टेशन पे। उसको भी वायरल किया गया कि ड्यू टू वायलेंस और ड्यू टू थ्रेट ऑफ वायलेंस माइग्रेंट वर्कर्स आर लिविंग तमिलनाडु फॉर देयर होम स्टेट बिहार। तो जब जो भी इन्वेस्टिगेशंस हुए, वहां का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने प्रॉम्प्टली एक्ट किया, इन्वेस्टिगेट किया उस केस को। प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग, जो प्रिलिमिनरी आउटकम ये आया इन्वेस्टिगेशन का, कि वो एक फेक न्यूज था, वो एक डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन था टू मेलाइन द स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि 1 मार्च को जो ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेजर लीडर्स थे, वो तमिलनाडु गए थे चेन्नई में। वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बर्थडे था, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। और ये घटना है 2 मार्च की। आप देखें कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में फेक न्यूज फैलाया गया, एक डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन क्रिएट किया गया कि तमिलनाडु में जो वर्कर्स हैं वो सेफ नहीं है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को मलायन करने का उसमें एक बात थी। अब देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये एक डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन था। आपको बता दें, एक डिफरेंस आप जान लें कि डिस इन्फॉर्मेशन एक टर्म होता है और एक टर्म होता है मिस इन्फॉर्मेशन। तो डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन में, दोनों में फेक न्यूज प्रोपेगेट किया जाता है, लेकिन एक डिफरेंस होता है, क्रूशियल डिफरेंस होता है, वो है इंटेंट का। इंटेंट यानी कि डिस इन्फॉर्मेशन में जो फेक न्यूज प्रोपेगेट कर रहा है, उसको पता है कि ये फेक न्यूज है और वो जानबूझ के कर रहा है। तो एक तरह से एक प्रोपेगेंडा हो सकता है डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन। लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन जो होता है, मिस इन्फॉर्मेशन में कोई फेक न्यूज फैला रहा है बट वो जानता नहीं है कि ये जो न्यूज है ये फेक है। तो किसी ने आपको कह दिया मजाक में कि कल ऑफिस की छुट्टी है, आपने 4 लोगों से और कह दिया ये जान के कि ये बात सही है, तो वो एक फेक न्यूज था लेकिन आपको पता नहीं था। कल सभी लोग एब्सेंट हो गए, इशू हो गया ऑफिस में, तो ये एक फेक न्यूज था जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला। लेकिन डिस इन्फॉर्मेशन में जो फेक न्यूज फैलाता है, जो प्रोपेगेट करता है, उसको वो जानता है कि ये फेक है और जानबूझ के करता है, इसलिए इसको प्रोपेगेंडा ही बोला जाता है। तो तमाम कंट्रीज में जो गवर्नमेंट है वो प्रोपेगेंडा का यूज करती हैं अपनी अथॉरिटी स्टेब्लिश करने के लिए, फिर अपनी अथॉरिटी को सस्टेन करने के लिए। आप देखें रशिया में, चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, ये जो अथॉरिटेटिव कंट्रीज हैं, जहाँ पे अथॉरिटेरियन लीडर्स हैं, वहाँ पे प्रोपेगेंडा का बहुत बड़ा यूज होता है अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए। ठीक है, तो आप देखें कि किसी भी डेमोक्रेसी में, जो किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ होता है, वो होता है अवेयर सिटीजनरी, कि जो लोग हैं वहां के वो जागरूक हैं। ठीक है, अवेयर सिटीजनरी। और अवेयर सिटीजनरी होने के लिए क्या चाहिए? सफिशियंट एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो आप देख लें कि किसी भी डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथ में जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो किसी भी इशू को लेकर, चाहे सोसाइटी में डिबेट हो रहा हो, चाहे पार्लियामेंट में डिबेट हो रहा हो, एक्यूरेट और सफिशियंट इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में जो राज नारायण केस हुआ था, उसमें कहा कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, इट इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। तो इंफॉर्मेशन किसी भी डेमोक्रेसी के लिए क्रूशियल है, और राइट टू इंफॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1। तो डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हो सकता है डिस इंफॉर्मेशन। अगर एक्यूरेट सफिशियंट इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ है, तो डिस इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो सकती है। आज के डेट में सोशल मीडिया का जमाना है, एक क्लिक में एक फेक न्यूज को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को प्रॉम्प्टली एक्ट करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे कि फेक न्यूज का जो चैलेंज है उसको टैकल किया सके। आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये दे दें कि जो फेक न्यूज का
सिलेबस में अगर हम बात करें तो ये आ सकता है क्वेश्चन सिक्योरिटी वाले चैप्टर में, जो सिक्योरिटी का सिलेबस में फेक न्यूज का एलिमेंट है, ठीक है। तो यहां पे जो सबसे जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था तमिलनाडु में वो ये था कि इमीडिएट और प्रॉम्प्ट रिबटल। तो आप देखते हो कभी फेक न्यूज की बात होती है तो फेक न्यूज का सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि उसका इमीडिएट रिबटल हो और लोगों के बीच में बात पहुंचाई जाए कि जो पर्टिकुलर न्यूज है ये फेक है। तो जितने भी डेमोक्रेसीज हैं, चाहे इंडिया ही नहीं, चाहे यूरोप है, चाहे यूएस है, तो जो रियल डेमोक्रेसीज हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो गया है फेक न्यूज। जो अथॉरिटेरियन कंट्रीज हैं उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट्स खुद यूज करती हैं फेक न्यूज का अपनी अथॉरिटी सस्टेन करने के लिए। तो अब हम डिस्कस इसमें ये करेंगे कि अगर डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है तो उसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन अदर कंट्रीज ने क्या इंप्लीमेंट किया, लाइक यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स रहा है अभी तक। यूरोप में अगर हम बात करें तो यूरोप ने एक कोड लाया है कॉल्ड एज कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिस इन्फॉर्मेशन 2022। तो इस कोड का अगेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो डिस इन्फॉर्मेशन है उसको कंटेन किया जाए। और इस कोड में कुछ प्रोविजन क्या है कि जो भी पोलिटिकल एडवर्टाइजिंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। दूसरा प्रोविजन इसमें यह है कि जो फैक्ट चेकर्स हैं, जो न्यूज से रिलेटेड रिसर्च करते हैं, उनको और इनकरेज किया जाए कि इमीडिएट रिबटल हो सके। सोशल मीडिया पे अगर फेक न्यूज फैलाया सकता है तो उसका रिबटल, उसका जो एक्यूरेट न्यूज है उसको भी इमीडिएटली फैलाया सके। फिर है कि कुछ डिजिटल टूल्स इंप्लीमेंट किया जाए, प्रमोट किया जाए, जो कि फेक न्यूज को फ्लैग कर सके, ठीक है, और जो मैनिपुलेटिव बिहेवियर है उसको रिड्यूस किया जाए, ठीक है। तो ये बात थी यूरोप की। यूनाइटेड किंगडम ने भी एक बिल पेश किया है, बिल एक्ट नहीं बना है, उसका नाम है ऑनलाइन सेफ्टी बिल। ऑनलाइन सेफ्टी बिल में जो मेन प्रोविजन उसका ये है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी ये ऑब्लिगेशन है टू एक्टिवली मॉनिटर प्रॉब्लमेटिक कंटेंट। तो किसी भी तरह का अगर फेक न्यूज है या फिर डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कोई चला रहा है तो उससे रिलेटेड ऑब्लिगेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी होगा। ये बात थी यूरोप और यूनाइटेड किंगडम की। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा है अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन वो रहा है इंटरनेट शटडाउन। तो कहीं भी कुछ पब्लिक डिसऑर्डर होता है या फिर होने का थ्रेट होता है तो गवर्नमेंट वहां पर इंटरनेट बंद कर देती है। और इंडिया इनफेमस है फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन। तो जो डिसइंफॉर्मेशन है खैर वो तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो आम जनता है उसको भी सफर करना पड़ता है ड्यू टू गवर्नमेंट्स सच काइंड ऑफ एक्शन। अब देखें कि जो इंटरनेट शटडाउन हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ जो फेक न्यूज प्रोपगेटर्स हैं वो तो कंट्रोल होते हैं लेकिन बाकी पब्लिक भी सफर करती है। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसका ध्यान नहीं रखा जाता है व्हाइल ऑर्डरिंग इंटरनेट शटडाउन। ये एक ज्यादा ही सिंपलिस्टिक और आसान तरीका है गवर्नमेंट के लिए पूरा इंटरनेट शटडाउन करना, और कहीं ना कहीं ये एक ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड दिखता है गवर्नमेंट का, ठीक है, कि एक ही बार में पूरे स्टेट के पूरे रीजन के इंटरनेट को बंद कर दिया जाए। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि एक सफिशियंट लेजिस्लेटिव स्टैट्यूटरी मेजर्स हमारे पास हों कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे या फिर जो ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स हैं वहां पे लोगों के पास, सिटीजन्स के पास सफिशियंट फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच हो लेकिन जो सिटीजन्स हैं उनको मैलिशियस इन्फॉर्मेशन से भी प्रोटेक्ट किया सके, यानी डिस इन्फॉर्मेशन से भी या फेक न्यूज से भी प्रोटेक्ट किया सके। तो आप देखें कि फेक न्यूज में जो फ्री स्पीच है, फ्री स्पीच और फेक न्यूज में एक बहुत थिन लाइन हो जाती है, जहां भी गवर्नमेंट को अगर फेक न्यूज को कंट्रोल करने की बात है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो लोगों का लेजिटिमेट फ्री स्पीच है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करने लगती है। तो होना क्या चाहिए कि फ्री स्पीच में और प्रोटेक्टिंग सिटीजंस फ्रॉम डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन, ये दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, एक केस हुआ था 2018 में तहसील पूनावाला, उसमें ये कहा था कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू टेक स्टेप्स टू कर्ब डिसइंफॉर्मेशन और डिसेमिनेशन ऑफ डिसइंफॉर्मेशन। तो कोर्ट ने यह कहा कि डिसइंफॉर्मेशन के चलते समाज जितना वायलेंस हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है,
उसको प्रिवेंट करना ये गवर्नमेंट का रोल है। इंडिया में कोई एक्सप्लिसिट लॉ नहीं है इस तरह के फेक न्यूज को कंट्रोल करने के लिए। इंडिया में एक पुराना लॉ है आईटी एक्ट 2000, उसी को बार बार गवर्नमेंट अमेंड करके उसमें रूल्स ला के कुछ कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी इफेक्टिव नहीं रहा है, उसमें भी लैक्यूनास हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या यूज किया है कि सेक्शन 69A ऑफ आईटी एक्ट 2000, उसमें अगर कोई भी जो इंफॉर्मेशन है अगर वो सोवरेनिटी पे उसका इंपैक्ट है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट पे है, पब्लिक ऑर्डर को कॉम्प्रोमाइज करता है वो, तो गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक कर देती है। अगेन ये एक ओवर सिंपलिस्टिक अप्रोच है गवर्नमेंट का। जो नुआंस्ड अप्रोच है जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज में लिया जा रहा है, उस तरह से कुछ अप्रोच यहां भी लाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट ने एक और स्टेप लिया कि आईटी रूल्स 2021 लाया, ठीक है, कि जो भी कंटेंट है ऑनलाइन, जो ऑनलाइन न्यूज पब्लिशर्स हैं या फिर सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस डालने की कोशिश की गई थी बाय रेगुलेटिंग देयर कंटेंट। अभी हाल में लास्ट आई थिंक ये अक्टूबर 2022 की बात है कि गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, देखिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो फैक्ट्स चेक करता है, न्यूज को चेक करता है और वो भी रिबटल करता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये तय किया कि अब पीआईबी को ये अथॉरिटी दी जाए कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई फेक इंफॉर्मेशन है गवर्नमेंट एजेंसी से रिलेटेड, तो वो उसको फ्लैग करे, ठीक है, और डायरेक्ट करे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं कि उस कंटेंट को हटाया जाए, रिमूव किया जाए। इसमें चैलेंज ये है कि जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्रिटिसिज्म है, जो डिसेंट है गवर्नमेंट की स्कीम से रिलेटेड, गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से रिलेटेड, उसको अब गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाहिए थ्रू द यूज ऑफ पीआईबी, कि पीआईबी को ये अथॉरिटी दे दिया जाए कि पीआईबी किसी न्यूज को का फैक्ट चेक कर सकती है, उसके बाद ऑर्डर कर सकती है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं कि आप इस कंटेंट को हटाएं अपने प्लेटफॉर्म से। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये क्या एटीट्यूड है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो डिसेंट है उसको कंट्रोल किया जाए, उसको कर्ब किया जाए। तो इंडिया में एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव मेजर नहीं है कि जो फेक न्यूज है उसको कंट्रोल किया सके। गवर्नमेंट एक लेके आई है डिजिटल इंडिया बिल 2023, कोशिश ये होना चाहिए कि उस बिल में ऐसे प्रोविजन लाए जाएं कि किसी भी तरह का अगर डिस इन्फॉर्मेशन कंपेन है, फेक न्यूज है, उसको भी कंट्रोल किया सके, ठीक है। तो ये बात थी हमारा फेक न्यूज के बारे में डिस्कशन, ये था हमारा लास्ट डिस्कशन आज का। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।